एक्टर ब्रिजेश, एक्टर ब्रिजेश, एक्टर ब्रिजेश, एक्टर ब्रिजेश, महोबा महाराज जी, महोबा तो मेरी प्यारी सी क्यूट सी मामी गाइस देख सकते हैं, ये मेरी फैन का फैन, ये मेरी बहुत बड़ी फैन है, कोई बात नहीं। अब मैं समझा मेरी वीडियो में लाइक क्यों नहीं आते, व्यूज क्यों जा रहा था, क्योंकि सारे बच्चे फैन है तो बेचारे लाइक नहीं कर पाते, इनकी कोई गलती नहीं है, सब लोग मेरे फैन हो ना। बोले एक्टर ब्रिजेश की जैसे तुम वैसे हम, अब है क्या कम, और एक मार्च से 8 मार्च तक बागेश्वर धाम पर रहेंगे। सो एवरीवन, सभी लोगों को राधे राधे। आज मैं जाने वाला हूँ बागेश्वर धाम, क्योंकि बागेश्वर धाम में आज बहुत ही खास दिन है, और क्या ही बताएं कितने लोग आएंगे मिलने के लिए उनसे, गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी के दर्शन होने वाले हैं साक्षात। तो गाइस ब्लॉग में जुड़े रहिए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अभी तो मैंने बालों में से नहा धोकर ही आया हूँ, अब मैं तैयार हूँ गाइस, तो जुड़े रहिए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मैं आपको दिखाऊंगा मेरे साथ कौन जा रहा है। मेरे साथ जा रहे हैं ये मेरे भाई अमन भाई। अमन भाई कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और जाएंगे वहाँ पर दर्शन वर्शन करेंगे जो भी है, कितना अच्छा लग रहा हूँ। तो गाइस आप देखिए, आपने देखा कौन गायब भाग चुके हैं बीच में, आप समझ सकते हो। और देखिए हम लोग हमारे सानू भाई भी साथ में जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और एक पर्सन नीचे है जिनसे हमने आपको नहीं मिलाया अभी तक मेरे ब्लॉग में। तो गाइस हम दिखाते हैं नीचे कौन कौन जा रहा है। अबे हाय, अबे भी जा रहा हमारे साथ में, आप देख सकते हो। और बस हम लोग हो चुके हैं रेडी, हमारे सानू भाई भी फुल रेडी है। आइए अमन भाई, हमारे अमन भाई सामने देखिए आप, अमन भाई का यही है नाम का। गाइस देखिए इतना ज्यादा मजा आने वाला है। गाइस हम लोग हो चुके हैं रेडी, आप देख सकते हैं ये अभय भाई है, अभय ठाकुर नाम है, ये सानू भाई है, और ये अमन भाई। हम लोग जा रहे हैं रेडियो चुके, आप देख सके बोलो बागेश्वर महाराज की जय। है कि आप लोग लास्ट तक बने रहना, बहुत ज्यादा मजा आएगा आगे। हाँ तो गाइस, और हाँ अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं हम लोग आगे। ये हमारे रामदीन भाई सब भी आ चुके हैं, क्योंकि हम सभी लोग जा रहे हैं। ये अमन भाई है, अभय भाई है, सानू भाई की खो चुकी थी चाबी, तो उनकी चाबी उन्हीं की जेब में फंसी हुई थी। तो गाइस ये हमारी गाड़ी है फरारी, ऐसी फरारी से हम लोग जाएंगे, और अमन भाई जाएंगे मर्सिडीज से। तो गाइस हम लोग मिलते आएंगे, बैक कैमरे दिखाते हैं। भाई की ऑडी खड़ी है, सानू भाई अपनी ऑडी को चलाएंगे। जी अब अमन भाई भी रेडी है, वो भी अपना ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ऐसा है, अच्छा फ्री में भी डाल देते हैं। जिसको डलवाना है आपको कहाँ पर? हम पहुंच चुके हैं कहां पर? क्या थी जंगल जी? 30 किलो अंगूर मेरी माइक में चल रहा है। हम पहुंच चुके हैं मलहरा, हम मलहरा में पियेंगे पानी, देखते हैं भाई पानी का जो जिस जिसको मलहरा से हो प्लीज मुझे कमेंट करना, मेरे ब्लॉग को जो जो देखता जाए लाइक कमेंट जरूर करना। जी हमारी वो है चंगलिया, अगर चंगलिया वगैरह की भी बुकिंग करवानी हो तो आप संपर्क कर सकते हो हमसे। जनाब है भाई, नहीं नहीं ये फ्रेंडली प्यार से बोलता है मुझे चंगो, क्योंकि हम दोनों के बीच में बहुत सारा प्यार है। आप लोग गैस नहीं कर सकते। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं गड़ी मलहरा, और देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ गड़ी गड़ी पानी पीने के लिए रुके हैं। अरे भैया, और देखिए अपने पानू भाई भी बीच में एंट्री मार चुके हैं। यार ये हटाओ यार, ये अच्छा नहीं लगता यार। तुम्हारे फ्रॉड इंसान है, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता फिरता रहा, और पता नहीं भाई को पानी, और हमसे कह रहा था हम पीछे हैं पीछे हैं। और ये देख सकते हैं भाई, बहुत ज्यादा मजा आने वाला ब्लॉग मुझे, मैं आपको बहुत खास खास इंसान को मिलाऊंगा कि हमारे साथ कौन कौन जाने वाला। तो गाइस मिलते हैं, चश्मा बताओ कैसा लग रहा है, ठीक है कमेंट जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे।
तो एवरीवन आप देख सकते हो वेलकम बैक, यहाँ पे आते जा रहे मेरे कुछ फैन लोग हैं, आप देख सकते हो। ओ गाइस कहाँ से हो भाई? जी भाई, जी भाई, एक फोटो फोटो फोटो। अरे जाओ जाओ भाई, फोटो 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 प्लीज, एक फोटो। हम लोग कितने सारे लोग जा रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं गली गली में भटक रहे हैं, और जिसके यहाँ पे जा रहे हैं उसका हम घर ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे जाना है मुझे, फिर भी हम जाते जा रहे हैं, आई थिंक सही जगह जा रहे हैं, पता नहीं, देखते आगे। तो गाइस ये है मामी के घर की रास्ता, और देखो वो खड़ी है, कुमकुम आप देख पा रहे होंगे। तो गाइस ये खड़ी है कुमकुम, तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मिस ब्यूटीफुल गर्ल के पास, हम दिखाएंगे किसको मैं। और कहाँ सब लोग आ जाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। देखो तो यहाँ पे खवाई पे भाई चल रही है सबकी, करिश्मा चल रही हो तुम भी? मामा लोग कहाँ है? सो मेरी प्यारी सी क्यूट सी मामी। तो गाइस देख सकते हैं ये मेरी मैन का फैन, ये मेरी बहुत बड़ी फैन है, कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, अरे समझ सकते हैं, ये मेरी बहुत बड़ी फैन है। हम आपको डोरेमोन से मिलाते हैं, आ जाओ। ये गोलमोनू सा हनुमान हमारा मामा है। तो गाइस देखिए हम लोग जाने वाले, कहाँ जाने वाले मामी? ये हमारे मौसा जी है, बहुत ही ज्यादा मिलने आया। ये आप कह रहे थे मामी जी की, ये है सारे बच्चे फैन है तो बेचारे लाइक नहीं कर पाते, इनकी कोई गलती नहीं है, सब लोग मेरे फैन हो ना। बोले एक्टर ब्रजेश की जय, एक्टर ब्रजेश की जय। हाँ तो ऐसी जयकारा लगाते रहो गाइस, हम लोग जाएंगे बागेश्वर धाम भी, फिर वहाँ पे जयकारा लगाएंगे कुछ। क्या नाम है आपका? पूरा नाम बताओ। पहले ये बताओ, मैंने इससे पूछा कि तुमसे पूछा? पेपर में तुम लिखा दोगे इसकी बल्दी? बताओ तुम्हारा नाम क्या है? श्रेयांस लेक्चरर। कौन सी क्लास में हो? कौन सी क्लास में हो? एलकेजी। तो मैं डांट रहा हूँ, ऐसा तो नहीं तुम मेरी फैमिली डाल दोगे? तो गाइस कितने प्यारे बच्चे हैं, तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखो ये जी है, इसने नहाया नहीं है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है तुम्हारा? कुमकुम सोनी। कुमकुम सोनी, कौन सी क्लास में हो? 11th की स्पेलिंग बताओ। मुझे भी टीचर मिल जाए, कौन से स्कूल में पढ़ती है? गाइस देख सकते हैं, कमेंट करके बता दो इसको 11th। अच्छा 12th की स्पेलिंग, 11th अच्छा ठीक है, 10th की बताओ। कहाँ से पास हो गई 10th में गाइस? ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए, बहुत मजा आने वाला है। तो गाइस मिलते हैं आगे, ये तो कुछ ना कुछ बोलती रहती, बंद कर दो। तो गाइस आप देख सकते हैं अब मैंने लगा लिया टीका, और हम सभी लोग हो चुके हैं रेडी, अब जा रहे हैं बागेश्वर धाम। आपने देखा मेरे कितने प्यारे प्यारे फैन थे, है ना? बस मिलते आएंगे, मामा मामी भी मिल चुके हैं, आपको देखा होगा, बस हम लोग दिखाते हैं आपको, फील नहीं आ रहा है। तो बहुत मजा आने वाला है, जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम आपको बागेश्वर धाम के दर्शन करवाएंगे। जैसे बहुत लोग, काफ़ी लोग दूर से हैं जो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी दर्शन हम कराएंगे, इसलिए मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे ब्लॉग देखते रहिए। तो गाइस हम सभी लोग निकल चुके हैं बागेश्वर धाम के लिए, आप देख सकते हैं कितनी ही ज़्यादा मस्ती आ रही, क्योंकि गाड़ी में मैं ही बैठा हूँ, मेरे साथ कौन कौन बैठा आप देख सकते हैं, अमन भाई बैठा है, और ये हमारी प्यारी सी कुमकुम बैठी है, बाइक ड्राइव कर रहा हूँ, मामी ने सूट किया इतना ही प्यारा, और हमारे पीछे मौसी जी आ रही हैं, और हमारे रामदीन अपराधी जी गाड़ी चला रहे हैं आप देख सकते हो, ये मेरी करिश्मा कितने सारे करिश्मा दिखाती रही, आप समझ सकते होंगे कितनी मस्ती की हुई हमने, आप देखिए गए आगे। हेलो,
तो गाइस आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम जी 1000 सीढ़ी बागेश्वर धाम जी। आप देख सकते हैं कितना ही ज्यादा प्यारा रोड दिख रहा होगा क्योंकि इतनी ही ज्यादा भीड़ है और क्या ही बताएं कितने लोग जाने कहां कहां से दर्शन करने के लिए आ रहे होंगे। आप समझ सकते होंगे क्योंकि एक बार जरूर आना गड़ा के हनुमान जी क्योंकि इतना ही सिद्ध मंदिर है बागेश्वर धाम जी क्योंकि बहुत से सारे लोग जाते हैं। तो गाइस देखिए अब कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे क्या ही हम बताएं कुछ हम कह नहीं सकते इस बारे में। तो बाकी आप देखिए आगे क्या होता है देख सकते हैं कितना ज्यादा ट्रैफिक है और हम ट्रैफिक में बागेश्वर धाम के दर्शन करने आए हैं। आप भी एक बार आइए गड़ा के हनुमान जी है बहुत ही फेमस मंदिर है बागेश्वर धाम जी का बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्या ही बताएं कितना ज्यादा ट्रैफिक आप देख सकते हैं। और पीछे बैठी हमारी कुमकुम यहाँ पे पाउडर आउडर सब फ्री में लग जाता है यहाँ पर भाई। अभी हम पहुँच चुके हैं बागेश्वर धाम और ये हैं दिलीप भैया जो कि महाराज जी दर्शन इतनी जल्दी कैसे हो जाएंगे यार अभी घूम के चलना पड़ेगा ना अपन को। गाइस महाराज जी के दर्शन होने वाले हैं बहुत मजा आने वाला है ये और गाड़ी आड़ी जो भी ये खड़ी कर दी है तो देख सकते हैं मामा यहाँ पर अपन लोग ये हमारी गुफा है जहाँ पे दरबार लगेगा हमारा। ये देखो कितने सारे लोग हैं जो महाराज जी से मिलने आए हैं ये मामा अब आए देखो सभी लोग बागेश्वर धाम के कितने सारे भक्त पीछे आप देख सकते हैं यहाँ प्लाट भी ले सकते हैं प्लाट बागेश्वर महाराज जी को दे रहे हैं। तो देख सकते हैं कि हमारे गला के हनुमान जी हैं दीदी में बात है होटा और प्लाटी प्लाट तो गाइस देख कितने सुंदर सुंदर लोग हैं सभी लोग दर्शन करने के लिए आए हैं क्योंकि आप देख सकते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम और देखिए कितने सारे लोग हैं ये देखो ये हमारी मामी जी हैं। हेलो हेलो इनकी आवाज में पता नहीं क्या फंस गया है बिल्कुल हेलो तो गाइस हेलो नहीं हेलो जय बागेश्वर धाम बोलो सन्यासी बाबा की जय। तो गाइस यहाँ पे आइए बागेश्वर धाम में बहुत ही ज्यादा भीड़ है इतना ही पवित्र मंदिर है गड़ा के हनुमान जी हैं क्योंकि आज बागेश्वर महाराज जी हम लोगों से मिलने वाले हैं। कल उनका फोन पहुंचा था मेरे पास मैं तो उठा नहीं पाया था जल्दी जल्दी में बट कोई नहीं अब मिल लेंगे आज उनसे। और देखिए कितने सारे फ्रेंड फॉलोइंग है मेरी हाँ ये हमारा अमन है और ये क्या नाम है तुम्हारा ये करिश्मा है बहुत अच्छे अच्छे करिश्मा दिखाती है वो छोटी मौसी हमारी छोटी पतली सी सूखी सी है ना और बहुत सारे लोग हैं गाइस जुड़े रहिए बहुत मजा आने वाला है आपको। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर और यहाँ पे काफी लोग हैं बहुत सारे यूट्यूबर वगैरह लोग भी हैं और यहाँ पे देख सकते हैं काफी लोग जो हमारे साथ हैं वो उनको अंदर नहीं आने दिया आई थिंक पता नहीं क्यों नहीं दिया दिया बैठे हैं बोलो बागेश्वर महाराज की देखिए कितने
भक्त बैठे बागेश्वर महाराज। आप देख सकते हैं बागेश्वर महाराज जी से मिलवाने वाले आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। गाइस देख सकते हैं यहाँ पर अभी नाम लेके जा रहे हैं। गाइस इससे ये फील होता है कि मुझे दर्शन हो जाएंगे महाराज जी के। क्या ही बताने वाले हैं महाराज जी, उनसे कुछ नहीं पूछना, बस उनका आशीर्वाद चाहिए मुझे। तो बस आशीर्वाद हमें आप लोग ना नोट कर लेना नंबर। आज जो है 20 तारीख मंगलवार फरवरी 2024 के दिन पावन तीर्थ बागेश्वर धाम, जहां स्वयंभू श्री बागेश्वर बालाजी विराजमान है, लाखों लोग आज पेशी करने आए हैं। उसी मध्य में आज की बैठक रखी गई थी समस्त यूट्यूबर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्रीय गण, ब्लॉग बनाने वाले और क्या होगा, इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, ट्विटर, सोशल मीडिया के सभी प्रियजनों को, बेटियों को, बहनों को और युवान भाई बहनों को मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, महोबा, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, तालबेहर और हरियाणवी आदि क्षेत्र से लेकर के जीतने वाले लगभग 50 लोग यहाँ पर आज 50 से 60 लोग उपस्थित हुए हैं। हम पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर अपने आराध्य श्री बागेश्वर हनुमान जी को प्रणाम करके आपका सबका खूब खूब स्वागत करते हैं। जय जय आप सबको खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। सनातन हिंदू राष्ट्र में आपकी भूमिका होवे, आपके पूरे परिवार पर बागेश्वर बालाजी की कृपा होवे, आपको किसी की भी नजर ना लगे और आप सबके पूरे परिवार में कौनों भी प्रकार की अनहोनी ना होवे, ऐसी हम सन्यासी बाबा के चरणन से प्रार्थना करते हैं। बोला महाराज हिंदू राष्ट्र की जय। पूज्य गुरुदेव जी भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। सन्यासी महाराज की जय। जय जय सीताराम 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 सीताराम। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की जय। आज हमने हमसे शिकायतें की सबने, आप इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया को खूब बाइट देते हो, समय देते हो, पांचवा महाकुंभ है, पांचवा कन्या विवाह महोत्सव है, पूर्व में भी हो चुका। आप सब जितने भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, डिजिटल मीडिया, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ब्लॉगर, आप सब सोशल मीडिया के प्रत्येक प्लेटफॉर्म वाले जितने भी प्रियजन हैं, उनको पहले तो साफ परिवार सहित हमारा आमंत्रण है। आपका धाम है, लगभग 40 ऐसी बेटियां हैं जिनके माता पिता नहीं, और एक परिवार तो ऐसा है कि तीन बहनें हैं, माता पिता आपदा में मर गए, बड़ी बहन ने शादी नहीं की, मजदूरी करती है ताकि दो बहनों को पढ़ा सके, साधारण गांव में रहती है, साधारण झोपड़ी, जब उसकी शादी उसके मामा ने, दूर के रिश्तेदार ने तय कर दी, व्यवस्था नहीं थी, हमारी अपनी बागेश्वर जन सेवा समिति के सदस्यों को पता लगा तो उनकी शादी के लिए तो हाँ कहा ही कहा, साथ में जब उनके घर पर गए तो ऐसी परिस्थिति थी कि बैठने के लिए दरी हुई, पड़ोसी से वो चटाई मांग के लाई, चाय के लाने दूध भी चाची से लेके आई और कप भी लाई, इतना साधारण परिवार। उन बेटियों का मंगल पाणी ग्रहण संस्कार बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर श्री हनुमान जी करवा रहे हैं। ऐसी बेटियों के मंगल काज में हम सब सम्मिलित होना है, यही निमंत्रण देने के लिए हमने आप सबको आज बुलाया है। बुंदेलखंड का पांचवा महाकुंभ 1 मार्च से 8 मार्च तक है, 7 दिन की साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा है जो प्रतिदिन 3 बजे से होगी और सायं 7 बजे तक चलेगी।
प्रतिदिन एक एक कलाकारों द्वारा, भारत के सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा संगीत कार्यक्रम है। 1 मार्च को शीतल पांडे जी की भजन संध्या, रात्रि में कीर्तन है। 2 मार्च को भजन संध्या है। 3 मार्च को खेसारी लाल जी की भजन संध्या है। 4 मार्च को श्री मनोज तिवारी जी और अक्षरा सिंह जी की भजन संध्या है। और कीर्तिदान गढ़वी जी भी पधारेंगे 3 को। 5 तारीख को कवि सम्मेलन है। 6 तारीख को बी पराग जी की भजन संध्या है। 7 मार्च को कन्हैया मित्तल जी की भजन संध्या है। 8 मार्च को जॉनी आदि टीम की भजन संध्या है। लेकिन यह महाकुंभ 1 मार्च से नहीं, 27 फरवरी से शुरू होगा। 27, 28 और 29 फरवरी को भारत के वर्तमान समय में युग कवि जिन्हें कहा जाता, हमारे बड़े ही प्रिय और बागेश्वर हनुमान जी और बागेश्वरी देवी के लाडले कुमार विश्वास जी की 3 दिवस की अपने अपने राम की प्रवचन चर्चा है। 28 तारीख को पूरे बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध कलाकारों को सम्मेलन रखा गया है। और 27 तारीख को ही भारत के सुप्रसिद्ध गायक मीका सिंह भी आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस पावन यज्ञ आयोजन में 1 मार्च को हमारी फोन द्वारा चर्चा जो हुई थी, भारत के माननीय रक्षा मंत्री जी भी आ रहे हैं। इस 7 दिन के बुंदेलखंड महाकुंभ में आप जब आएंगे तो आपको एक साथ सभी भारत के संतों के दर्शन होंगे। 1 मार्च को परम पूज्य श्री भागवत के बहुत ही अद्भुत कथा व्यास श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज आ रहे हैं। उसी दिन आचार्य परम पूज्य श्री संजीव कृष्ण शास्त्री जी ठाकुर जी भी आ रहे हैं। 5 तारीख को जूना पीठाधीश्वर परम पूज्य अनंत श्री विभूषित अवधेशानंद जी महाराज जी भी आ रहे हैं। 5 तारीख को ही समस्त भारत के प्राण आधार श्री सीताराम जी हैं। राम मंदिर में 22 जनवरी को वर्तमान समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के व्रत को तोड़वाने वाले, उद्यापन करवाने वाले, व्रत पूर्ण करवाने वाले परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज जी आ रहे हैं। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित शिव पुराण के द्वारा महिमा पहुंचाने वाले श्री प्रदीप मिश्रा जी भी आ रहे हैं। आचार्य परम पूज्य श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी भी आ रहे हैं। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित ज्ञानानंद जी महाराज जी भी, गीता मनीषी जी महाराज जी भी आ रहे हैं। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी महाराज जी भी आ रहे हैं। 8 तारीख को परम पूज्य अनंत श्री विभूषित मलुक पीठाधीश्वर वाले पूज्य महाराज जी भी आ रहे हैं। और परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगतगुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज जी भी आ रहे हैं। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी आ रहे हैं। इतने संतों का महाकुंभ, 108 कुंडी यज्ञ, 153 बेटियों का विवाह और साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा विश्व चेतना में जगाने के लिए, मानव मानव के काम आवे इस संकल्प के लिए, और गरीब बेटियों का घर बस जावे इस संकल्प के लिए, और मठ और मंदिरों से, भारत के मठ और मंदिरों से इस प्रकार गरीब बेटियों का विवाह अगर प्रारंभ हो जाएगा तो भारत की अर्थव्यवस्था भी सुधर जाएगी और भारत विश्व गुरु भी बन जाएगा। इसीलिए हम दिन ना रात, वर्तमान में हमारी हालत बहुत विचित्र है लगातार जागने के कारण, इसलिए बोलने में भी बड़ा श्रम लग रहा है। तो आप सबको हमने इसीलिए बुलाया है कि हमारा निमंत्रण भी स्वीकार करो और हम आपको एक पहचान करा दें। रोहित पाठक जी कहाँ गए? ये गड़ाके ही है वर्तमान में, इनका जहाँ ये चैनल में काम करते हैं पेप्टिक में, इनको। और हमने एक लड़का बालक और है बागेश्वर धाम का, पुष्प अंकित मिश्रा, ये जो माइक साउंड पकड़े हुए, इन दोनों की ड्यूटी लगाई है आप लोगों की 7 दिन की व्यवस्था के लिए। कार्ड लेके आओ। अभी तो हम आपको दे रहे हैं कुमार विश्वास जी के कार्यक्रम का प्रवेश पत्र, प्रवेश कार्ड, और यज्ञ का देंगे आपको एक कार्ड, वो पीडीएफ पहुंच जाएगा, सो उसको आप जो है स्वीकार कर लेना।
सात दिन तक रुकने की व्यवस्था, सात दिन तक आपकी भोजन प्रसाद की व्यवस्था, भंडारे में रहेगी सामान्य, रुकने भर की व्यवस्था विशेष रूप से पंडित जी देख लेंगे। अब एसी मिले ना मिले, क्योंकि बहुत गर्मी है और व्यवस्था बहुत बड़ी है। लगभग सेवा भी करने 27, 28, 29 फरवरी, हाँ तो पेबाबी कुर्सियन पे बैठ के हम पानी, और 1 मार्च से 8 मार्च तक विवाहोत मोरे। ये वो आमंत्रण पत्र है, इसमें नीचे लिखा है लाल अक्षर में प्रवेश पत्र। ये समस्त यूट्यूबर्स, ब्लॉगर, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के जितने भी हैं सबके लिए यह आमंत्रण विशेष रूप से दिया जा रहा, ताकि आपको मौका मिले। और इन 8 दिनों में सब कुछ चलाने की छूट है, उल्टा सीधा नहीं। सब कुछ में उल्टा सीधा भी आता है, तो तुम उल्टा सीधा चलाओ, बिल्कुल पवित्र सकारात्मक। और आपको बुलाया इसलिए कि हमारी उन बेटियों में मदद करनी है, किसी को असुविधा ना होवे, कोई ऐसी दिक्कत होवे तो वो इन तक पहुंचाओ, ताकि हमें जमीनी स्तर की जानकारी मिले, हम अपनी टीम और कमेटी से उस कार्य को पूर्ण करवा सकें, ताकि लगभग 30 लाख लोग 1 मार्च से 8 मार्च तक महाकुंभ में सम्मिलित होने वाले हैं, किसी को कोई असुविधा ना होवे। और उसका एक ग्रुप बना दिया जाएगा, आज ही ग्रुप बन जाएगा, उस ग्रुप पर बागेश्वर धाम महाकुंभ उसका नाम होगा, कन्या विवाह बागेश्वर धाम, कन्या विवाह या महाकुंभ नाम होगा। उस ग्रुप के द्वारा आपको रोज की खबर और कल की खबर ग्रुप में डाल दी जाएगी, जिससे आप एक्टिव भी रहेंगे, उस न्यूज को आप चला भी पाएंगे, आप अपनी बात को भी रख पाएंगे। और आज यहाँ सामने समस्त छोटे छोटे यूट्यूबर्स आए हैं, जैसे सागर तक न्यूज और उत्तर प्रदेश का दिव्य जागरण भी आया है, नो फिकर भी आया है। हो भैया तुम्हारी नाम ही नो फिकर, अब क्या फिकर? अच्छा हटा दमो, हम आए तो मोहतरे हैं नो फिकर वाले, बताओ हम फिकर में हैं, हम कर्जे में हो गए बेटियों के विवाह में, आगे को लगो। अच्छा बुंदेली चूड़ी भैया दो आई, और बंदे बंदे भारत आओ, भैया पकड़ियो कछु जने सरक रहे, बंदे भारत आओ, महिमा मैहर टाइम्स, ये हमारे चेले का है, मैहर टाइम्स भी आया, 24x7 न्यूज भी आई, स्वदेश न्यूज भी आई, नो फिकर तो रख दो, बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल भी रखो, कैप्टेक चैनल भी रखो, JSN न्यूज भी रखो, आनंदी भी रखो, और अपना हिंद न्यूज भी रखो, और दा सर्च न्यूज भी रखो। एक्टर रमन, एक्टर रमन बोल चुके हैं, ऋचा शर्मा महाराज जी, बेटू सोनी, बेटू सोनी, लकी, जैसे तुम वैसे हम, अब है क्या कम। और 1 मार्च से 8 मार्च तक बागेश्वर धाम पर रहेंगे, और धर्म विरोधियों की बिगाड़ देंगे, बढ़ जाएगी उनकी, और भारत से बंध जाएगी उनकी, कपड़ा की लगेगी हटनी। ब्राह्मण विरोधी महोबा 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 अपने पास बैठे मन है, तुम तो और भाग्यशाली हो, मैंने सारा दिया दर्शन, अरे किसके गिर गए?
देखिए महाराज जी ने हमें रुदी आप देख सकते हैं, बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम आपको देखते हैं भाई बागेश्वर महाराज जी बैठे, सारे यूट्यूबर आए उनसे मिलने के लिए, तो बहुत सारे कैमरामैन वगैरह भी हैं, आप देख सकते हैं बोले कितने सारे माइक वगैरह भी रखे क्योंकि सबको दिखाओ यहाँ भी दिखाओ। और ये देखो हमारे मयूर भैया भी है, ये भी जय सिया राम जय बागेश्वर धाम। बहुत ज्यादा मजा आने जुड़े रही है तो महाराज जी में इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी क्या ही बताएं। आपने देखा होगा कितनी ज्यादा भीड़ हुई थी गाइस, जिन्होंने दर्शन नहीं किए हैं कितने मार्च से कितने मार्च तक, 8 तारीख को नहीं 1 मार्च से 8 मार्च तक सभी का इतना सौभाग्य था कि इतने पास से दर्शन करने के लिए मिला, ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल के कारण। सही बात है, संभव तो गाइस ऐसे सपोर्ट करते रहिए भाई आपका यूट्यूब चैनल। बिल्कुल, मेरा यूट्यूब चैनल है वाव गार्डनिंग, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, नेचर कंटेंट क्रिएटर, नेचर। तो गाइज इनको भी करना सपोर्ट जैसा आप मुझे सपोर्ट करते हैं, जल्दी से मेरे 1 मिलियन कर दो कल तक बस। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मेरे बहुत सारे फैन वगैरह भी मिल गए थे बागेश्वर धाम में, क्योंकि मैं दर्शन करने आया था, बहुत ही अच्छा लगा आप देख सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आप देखिए गाइस आगे आप कितना मज़ा आया कि सारे फैन लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे एक दूसरे से मिलके, मैं भी बहुत खुश था कि ऐसे ही मेरे फैन बढ़ते रहे। मुंबई में साथ में रहते थे है ना, मतलब एक जमाना था भाई वो भी क्या यादें थी। 4 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं, मतलब बहुत टाइम से हम लोग इस फील्ड में है, बाकी यूट्यूब पे हम लोग थोड़े नए हैं, बाकी हम लोग मुंबई बॉलीवुड से तो बहुत नहीं सही है। तो गाइस आपने देखा मेरा हम लोगों का इंटरव्यू, हमने इंटरव्यू दिया, मैंने भी इंटरव्यू दिया, बहुत ही अच्छा लगा बागेश्वर धाम में, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ है कि पहली बार मुलाकात हुई और ये भैया जी ने कहा अपना नंबर दे, तो फिर मैंने इनको नंबर दिया, क्योंकि क्या ही बताएं मेरे इतने फ़ैन थे कि क्या ही बताएं, मुझे पता नहीं था कि बागेश्वर महाराज में भी मेरे फ़ैन मिल सकते हैं, इतना प्यार है लोगों का कि ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहेगा, मैं बहुत आगे तक जाऊंगा, और मैं भी चाहूंगा सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तभी हम लोग आगे जाएंगे, क्योंकि बागेश्वर धाम में ऐसा फील आ रहा था मुझे कि क्या ही हम बोले, कुछ हम कह नहीं सकते हैं। ये हमारी मामी जी खड़ी हैं और मैं भी खड़ा हूँ, मतलब सभी लोग सेल्फी ले रहे थे कि सर एक सेल्फी, इतना अच्छा गर्व फील हो रहा था क्या ही बताएं, बस ऐसे ही प्यार बनाए रखे। अब देखिए गाइस आप आगे जाएंगे क्या ही बताएं, मैं बागेश्वर धाम इतना अच्छा लगा क्या ही बताएं, और उन्होंने हमें 1 तारीख से 7 तारीख तक के लिए भी निमंत्रण दिया है कि हम लोग, मैं ये चाहूंगा जो भी मेरा ये ब्लॉग देख रहा हो, जो भी मिलना चाहता हो, तो आप बागेश्वर धाम में मिलिए 1 से 7 तक कंटिन्यू हम यही मिलेंगे। सन्यासी बाबा की अच्छी बात है। तो गाइस आप देखिए आज हमारा शॉप बागेश्वर महाराज जी की कृपा से, देखिए कितना आने आने को मिला हमारे बागेश्वर महाराज जी, और उनके साथ सामने खड़े हैं, बहुत ही सौभाग्य का बात है उनके साक्षात दर्शन मिले। ये हमारी मामी जी आप देख सकते हैं, मामी जी को भी दर्शन मिले, मेरे सौभाग्य से इनको मिले, और इनके सौभाग्य से मुझे दर्शन मिले, बस सबका किसी न किसी का सौभाग्य है, बहुत अच्छा लगा बागेश्वर। और हम आपको एक लोगों को और दिखाते हैं, जी हम अमन भाई हैं। तो गाइस ये है राम सिंह अपराधी, इन्होंने इतने अपराधी किए, इनका नाम राम सिंह अपराधी पड़ा, देखिए कितने अच्छा भीड़ देखिए गाइस कितनी बात। तो बोलो बोलो बागेश्वर महाराज की जय। गाइस कितनी ज्यादा भीड़ है, बागेश्वर महाराज के सामने हम लोग खड़े हुए हैं, और बहुत ही अच्छा सौभाग्य लगा, अच्छा लगा। तो गाइस आइए एक बार जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं फर्स्ट बार आया हूँ बागेश्वर महाराज जी से मुलाकात हुई, बहुत ज्यादा अच्छी है। देखिए कितना सौभाग्य की बात है, पहली बार आया और पहली बार ही इनको दर्शन मिल गए, कितनी भीड़ है बागेश्वर धाम में, आइए एक बार, पानी तक नहीं पिया हम लोगों ने कुछ भी नहीं, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही संत लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम आपको दिखा पा रहे हैं। तो ये भैया जी भी खड़े हैं बागेश्वर महाराज जी के माला लिए, कितना अच्छा सौभाग्य है, हम लोग इतने
आगे बैठे टीवी चैनल के माध्यम से लोग यहाँ बैठे हैं और दर्शन दे रहे हैं। इतने स्लो क्या सुना गाइस, देखिए हमारी मामी जी है, इनकी आवाज बहुत स्लो है, इतना सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप देख सकते हो आवाज आवाज बहुत ज्यादा स्लो है, तो गाइस पूरी आवाज हम लोगों के पास आ गई, इनकी आवाज पूरी पास गई उनकी बैठक से जो मुझे भगवान से दीक्षा दे चुके हैं। थोड़ा सा विश्वास रखो तो वो तार देते हैं, थोड़ा सा विश्वास रखो तो वो तार देते हैं, मन में जरा आस रखो तो वो सवार देते हैं, थोड़ा सा विश्वास रखो तो वो तार देते हैं, मन में थोड़ा सा शब्द रखो तो वो सवार देते हैं, ऐसे दया कुछ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सभी लोगों को बागेश्वर महाराज की जय। राधे राधे। एक बार और बोलो एक बार और देख लो, ये भी है मोए मोए।